वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। दास तखत श्री हरिमंदर जी पटना साहिब जी का, भाई सुरजीत सिंह जी ग्रंथी सिंह। ये जी स्थान गुरुद्वारा गऊ घाट है। ये स्थान पहला भगत जैता मल जी का होया करता सी। जिस वेले गुरु नानक देव जी महाराज इस स्थान ते आए, भगत जैता मल जी की उम्र 350 साल हो चुकी सी। भगत जी ने महाराज मुरे बेनती की, महाराज कृपा करो, सानू मुक्ति की दात बख्शो। गुरु साहब जी कहन लगे, भगत जी हले तोड़ी काफ़ी उम्र बाकी है, असी जदों नौवें जामा धार के आवांगे उदों तोड़ी मुक्ति करांगे। भगत जी कहन लगे, साडा रोज़ का नियम बनिया होया है, गंगा इशनान करके आउने आ, फिर ही असी कुछ अन्न जल छकदे आ, उन सातो गंगा नहीं जाया जांदा, कृपा करो। महाराज कहन लगे, गंगा जान की लोड़ नहीं, गंगा तुहानू इत्थे आके इशनान करा के जाओगी। भगत जी कहन लगे, जे गंगा इत्थे शहर दे विच आओगी तो शहर नू रोड़ दोगी। गुरु साहब जी कहन लगे, गंगा शांतमई आऊगी, तुहानू इशनान करा के जाओगी। बाहर कुंड बनिया होया है, उत्थे भगत जी बह जांदे सन। गंगा गऊ रूप धार के आउंदी सी, मुखो जल डोल के इशनान करा के जांदी सी, ताही गुरुद्वारे दा नाम गऊ घाट पै गया। जद गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज इस स्थान ते आए, भगत जी अपने कमरे दे विच दरवाजा बंद करके भगती दे विच लीन सन। गुरु साहब जी कहन लगे, भगत जी दरवाजा खोलो। भगत जी कहन लगे, तुसी कौन? गुरु साहब जी कहन लगे, असी गुरु हैगे आ। भगत जी कहन लगे, जे गुरु हैगे हो तो तुहाडे वास्ते कोई दरवाजा खुला नहीं, कोई दरवाजा बंद नहीं। एक छोटी जी बारी खुली हुई सी, वह बारी दे राही गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज घोड़े ते सवार संगतां परिवार दे नाल वह बारी दे राही गुरु साहब जी अंदर प्रवेश हो गए। भगत जी दर्शन करके निहाल हो गए, उदों ही उन्हां दी मुक्ति हो गई। महाराज ने अपने हत्थी इत्थे संस्कार भी किया। जद गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज इस स्थान ते गुरुद्वारा साहब बनवाउण लगे, लकड़ां मंगवाइयां सन चुगाठ वास्ते। मिस्त्री जद सारा दिन लग के लकड़ नूं कट के बराबर करन, ते रात छड्ड देन कि अगले दिन कम लावांगे, वो रात परचे एक लकड़ वड्डी ते एक छोटी हो जावे। अगले दिन फिर बराबर कीता, फिर रात परचे लकड़ एक वड्डी ते छोटी हो गई। तरखाना ने महाराज मुरे बेनती की, महाराज असी सारा दिन लग के लकड़ नूं कट के बराबर करदे आ, ये लकड़ अपने आप वड्डी छोटी हो जाती है। महाराज कहन लगे, लकड़ हुण काम जोगा नहीं, ये हुण पूजन जोग है, इहदे विच करामात आ गई है। वह हुण पिछे थम साहिब दे नाम करके प्रसिद्ध है। गुरु तेग बहादुर साहिब जी महाराज ने वर दित्ते ने, जे कोई रोगी होवे, जा किसे दे कर संतान नहीं होवे, जा जो भी इच्छा धार के थम साहिब जी दे अगे अरदासा करवा के दोनों नू बारी बारी जपी पा के मिलदे ने, उन्हां दी इच्छा पूरी हुंदी है। जद इच्छा पूरी हो जांदी है, इत्थे आके शुकराने वजियो कोई अखंड पाठ करवाउंदे ने, जां थम साहिब जी नू चोला साहिब चढ़ाउंदे आ, जां गुरु घर दे विच लंगरां दे विच सेवा पाउंदे ने। नाल वाले कमरे दे विच माता गुजरी जी दी चक्की पई हुई है। जी माता गुजरी जी दी चक्की आ, जो माता जी इत्थे 5-6-7 महीने रह के अपना इत्थे लंगर पानी बनाउंदे रहे आ। ये बारी आ, जिस बारी दे राही गुरु तेग बहादुर साहिब जी महाराज
ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਸੰਗਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਚੁਗਾਠ ਆ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੇ ਜਦ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਵਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਜੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਲ੍ਹਾ ਗੜ ਕੇ ਘੋੜਾ ਬੰਨਿਆ ਸੀ, ਉਹੀ ਕਿਲ੍ਹਾ ਹੁਣ ਹਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦਾ ਹਰਾ ਭਰਾ ਦਰਖਤ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਭਗਤ ਜੈਤਾਮਲ ਜੀ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਗੰਗਾ ਗਊ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਮੁੱਖੋ ਜਲ ਡੋਲ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।